राधे राधे, आप सभी का स्वागत करती हूँ एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल में। आज मैं आप सभी के लिए लाई हूँ पालक की सूप की रेसिपी, बिल्कुल अलग अंदाज में। और ये उन लोगों के लिए है जो चिकनाई अवॉइड करते हैं और डिनर में बिल्कुल लाइट लेते हैं, तो उनके लिए सूप सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है। तो ये मैंने पालक ले लिया है, इसे अच्छे से धोकर मैंने एक छलनी में निकाल लिया है। ये मैंने मोटी मोटी काट के प्याज ले ली है, 3-4 लहसुन की कलियाँ बारीक काट ली हैं और थोड़ा सा अदरक का टुकड़ा। तो आप चाहें तो आलू भी ले सकते हैं, आलू भी डाल सकते हैं। ये मैंने बीन्स ली हैं बिल्कुल बारीक बारीक काट के, 1 से 1.5 चम्मच मैंने बेसन ले लिया है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने स्टील का भगोना लिया है, उसमें मैं 1 चम्मच घी चढ़ाऊँगी, बिल्कुल हल्का सा घी चढ़ाना है जिसमें कि हमारी प्याज लहसुन और अदरक अच्छे से भून जाएँ। चिकनाई हमें ज़्यादा नहीं डालनी है क्योंकि हम हेल्थ के पर्पज़ से बना रहे हैं, तो उसी चीज़ का हमें ध्यान रखना है। ये हमने प्याज अदरक और लहसुन की कली इसमें ऐड कर दिए, इसे हल्का सा चलाते हुए भून लेंगे। इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, हल्का सा बस फ्राई करना है। अब हमने एक स्टील का दूसरा भगोना ले लिया है, उसमें थोड़ा सा पानी चढ़ा के हम हल्की सी बीन्स को स्टीम कर लेंगे। बिल्कुल हल्की सी स्टीम करनी है, पूरी तरह से नहीं गलानी है। अब ये देखिए प्याज हमारी हो गई है, अब इसमें हम पालक ऐड कर देंगे। अब ये मैंने पालक ऐड कर दिया है थोड़ा थोड़ा करके इसमें। अब इसमें हल्का सा नमक डाल दिया मैंने, मैं नमक भी बिल्कुल लाइट यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल सकते हैं इसमें, आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं थोड़ी सी टेस्ट बढ़ाना हो अगर, तो आलू भी डाल सकते हैं थोड़ा सा, लेकिन मैंने सिर्फ इसमें यही चीज़ें डाली हैं। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे पकाने के लिए। अब इसे कुछ टाइम के लिए हम ढककर पकने देंगे। चलिए तब तक हम अपनी बीन्स चेक कर लेते हैं। अब ये देखिए ये हमारी बीन्स अच्छे से स्टीम हो गई हैं, तो इन्हें हम एक छन्नी में निकाल देंगे। ये देखिए ये हल्की सी इन्हें भाप लग गई है, ये ना ही कच्ची हैं और ना ही पूरी तरह से पकी हैं। इसी तरीके की आपको बीन्स रखनी है। अब ये देखिए ये हमारा पालक भी स्टीम हो गया है, इसे बहुत ज़्यादा स्टीम नहीं करना है, बस हल्का सा स्टीम करके मैंने गैस बंद कर दिया है। अब इसे कुछ टाइम के लिए ठंडा होने के लिए हम जाली ढककर रख देंगे। अब ठंडा हो गया है पालक, तो मैं इसे हैंड ग्राइंडर से पीस लूँगी। आप चाहें तो इसे मिक्सर में भी पीस सकते हैं। अब ये मैंने इसका बारीक पेस्ट बना लिया है। ये मैंने एक फ्राई पैन लिया है, इसमें मैंने अपना बेसन चढ़ा लिया है। अब बेसन को मैं धीमी धीमी आंच पर भून लूँगी। आप चाहें तो बेसन को घी में भी भून सकते हैं, लेकिन मैं चिकनाई बहुत ही कम यूज कर रही हूँ, तो इसलिए मैं बेसन को सूखा ही भून रही हूँ। अब इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पर हल्का हल्का ऐसे देखें गोल्डन होने तक भून लेंगे। अब ये हमारे बेसन से अच्छी खुशबू आने लगी है, तो इसका मतलब ये भून गया है। जब बेसन अच्छे से भून जाएगा तो हम इसमें सबसे पहले पानी ऐड कर देंगे। ये देखिए अब हमने पानी ऐड कर दिया है, क्योंकि अगर हम पानी ऐड नहीं करेंगे तो हमारा सूप गाढ़ा हो जाएगा, तो क्योंकि बेसन फूलता है तो इसलिए हम सबसे पहले इसमें पानी ऐड कर देंगे और अच्छे से पकने देंगे। अब ये पक गया है तो इसमें हम अपना पेस्ट डाल देंगे। अब इसे धीरे से इस तरीके से चलाते हुए कुछ टाइम के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, अब इसे हम 2 से 3 मिनट तक पकने देंगे। इसे ज़्यादा टाइम नहीं पकाना है, क्योंकि जैसे बहुत से लोग स्टीम करके सब्जियां खाते हैं, बस उसी तरीके से ये सूप बनाना है हमें। ये हेल्थ पर्पज़ से ज़्यादा बना रहे हैं, तो इसलिए इसे बहुत ज़्यादा अगर हम पकाएंगे तो इसकी न्यूट्रिशन वैल्यू घट जाएगी। तो ये अब हमारा सूप तैयार हो गया है, देखिए अब इसे हम एक बाउल में निकाल लेंगे। अब ये मैंने एक बाउल में सूप निकाल लिया है, अब इसमें हम ऊपर से अपनी बीन्स डाल देंगे। अगर आपको और सब्जियां डालनी हैं तो बारीक बारीक गाजर भी डाल सकते हैं काट के, हल्की सी गोभी भी डाल सकते हैं, जो भी सब्जियां आपको खानी हो। अब इसमें ऊपर से हम थोड़ी सी कच्ची प्याज डाल देंगे।
थोड़ा सा नींबू निचोड़ लीजिए, और अगर आपके पास काली मिर्च का पाउडर है तो थोड़ा सा वो भी डाल दीजिए। ये टेस्टी और हेल्दी सूप तैयार है। तो आप सभी को मेरी रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच गाइज़।